बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम अहमद और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर करने वाली हूं। वैसे तो ये मैं इससे पहले शेयर करना चाह रही थी, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। ड्रेस डिज़ाइन जितना भी दिखाया जाए वो कम होता है। हर बार हमें न्यू डिज़ाइन लग रहे होते हैं। सबसे पहले ये सना सफीना का बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है, ये आप अभी भी बाय कर सकते हो और ये ड्रेस अभी भी अवेलेबल है। तो ये जो आप देख रहे हो सेम एज इट इज़ मॉडल पिक जैसा ही मैंने स्टिच करवाया है, बहुत ही खूबसूरत सा। और इसके जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो मैंने अपनी सब्सक्राइबर की जो है ना रिकमेंडेशन पे बनाया है, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही इसको स्टिच करा है। बाकी जो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग है और गले की डिज़ाइनिंग है बाकी सेम एज इट इज़ है। इस पे काफ़ी अच्छी सी लेसेस लगाई गई वाइट लेके इसको डाई करवाया जाता है। उसके बाद क्योंकि काफ़ी टफ ड्यूटी है, समझ ले मेरी, कि पहले आपने ड्रेसेस लेने हैं, पसंद करवाने हैं, उसके बाद लेसेस आपने सेम एज इट इज़ लेनी है और फिर डाई करवानी है, फिर टेलर के पास जाना है, स्टिच करवाना है, तो काफ़ी ज़िम्मेदारी वाला काम है। लेकिन इंजॉय भी करता है इंसान, कभी कभी थक भी जाता है। बहुत ही ज़बरदस्ती आप ये वाला जो आप देख रहे हैं दुपट्टा है, साथ में इसका काफ़ी अच्छी सी लेस इसको लगाई है गुम सिलाई के साथ। अब ये वाला ड्रेस आप ये भी सना सफीना का बहुत ही खूबसूरत सा, ये आप देख रहे हैं, साथ में आपको पिक भी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसकी अगर आप लेस को गौर से देखें तो इस पर मैंने बहुत मेहनत से ढूंढी है लेस, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं नहीं देखती कि मुझे कहाँ जाना पड़ रहा कहाँ नहीं, लेस को पहले मैं कोशिश करती हूँ वैसे कि वैसे मुझे मिले और सेम एज इट इज़ वैसे ही मुझे मिले। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन भी मैंने सेम बनाया जैसे मॉडल पिक में, हालांकि यहाँ पे पिक पे शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं डिटेल में जाके इसकी डिज़ाइनिंग देख के फिर इसको जो है ना वो स्टिच करवाती हूँ, रेडी करवाती हूँ। दुपट्टे पे देख लें, नीचे इसके कटआउट डबल लेस के साथ हैं और काफ़ी ही मेहनत भरा ये डिज़ाइन है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से स्टिच होकर रेडी हुआ है, ज़बरदस्त। और जिनका है लगा उनको पहनना नसीब फरमाया खुशियों के साथ। बाकी आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसे लगती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, आपके कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। जी तो जनाब, अब ये वाला ड्रेस है लग्जरी लॉन का, ये ड्रेस है सना सफीना का ही है ये ड्रेस और ये भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत सा, बहुत हैवी डिज़ाइनिंग के साथ। इसके रेटा वर्क और इसके पैनल्स सब बिखरे हुए होते हैं, जो भी इनके लग्जरी कलेक्शन होती है ऐसे कहते हैं ना, एक पैनल दे देते हैं और सबको ज्वाइंट करना होता है तो ये सबको हमने ज्वाइंट किया। इसकी अंदर की जो लाइन है वो भी हमने इसको ज्वाइंट किया, सब बहुत ही मेहनत से बहुत ही प्यार से बनाया गया ये ड्रेस यहाँ पे। आई होप आपको लाइटिंग की वजह से इसका कलर कुछ समझ ना आ रहा हो, बट ये बहुत माशाल्लाह से प्यारा है। इसकी मॉडल पिक भी मैंने आपको दिखाई है ऊपर, ये देखें जी ये वाला ड्रेस है इस तरह से, आई होप आपको समझ आ रहा हो। इस पर देखें जी डबल ट्रिपल नहीं बल्कि फोर्थ लेसिस की लेयर्स हैं और साथ में ज्वाइंट भी है। दुपट्टे पर भी काफ़ी अच्छी हैवी पर्ल्स की लेस दी गई है फिनिशिंग के साथ इसका, माशाल्लाह बहुत ओवर हाल बहुत खूबसूरत सा लुक, जो मुझे जिस तरह डिज़ाइनिंग करवाने को कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। अगर कोई कहता है सिंपल चाहिए तो वो सिंपल होगी, अगर कोई कहता है कि जी उसको हैवी डिज़ाइनिंग चाहिए तो हैवी डिज़ाइनिंग के साथ जैसे लेसेस होगी वैसे ही होगी, ठीक है जी। कोशिश पूरी होती है लेकिन फिर भी अगर कोई कमी कुछ रह जाती है तो ज़ाहिर बात है जितना भी परफेक्ट करें कभी कभी इंसान के नसीब पर भी डिपेंड करता है। और ये जी बैक पे देखें जी, बैक पे इस तरह से लेसेस हैं, हालांकि मॉडल पिक में कभी बैक का डिज़ाइन नहीं दिखाया जाता बट मैंने फिर भी बैक का डिज़ाइन इसका सेम एज इट इज़ बनाया डिटेल में जाके। अब ये वाले जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन, इसके बॉर्डर्स साइड बॉर्डर से काट के लिया गया था ये डिज़ाइन और काफ़ी समझदारी के साथ इसको बनाया गया। और ऊपर देखिए जी रेटा वर्क के साथ इसके गले अटैच किए गए, साथ में लेसेस हैं, लेसेस को डाई करवाया गया क्योंकि ब्रांड के कलर ऐसे होते हैं कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कॉमन कलर ब्लैक वाइट और एक दो और कलर होते हैं वो मिल जाते हैं, बट कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है मैं जब भी जाती हूँ कलर ऐसा कोई डीट कलर होता है उसको डाई ही करवाना पड़ता है, तो आपने लेस ली वाइट वो भी अच्छी वाली लेस लेनी पड़ती है, फिर उसको डाई करवाया और फिर वो देन आपके काम में आती है। अच्छा जी, इसकी ये भी सना सफीना की मुस्लिम कलेक्शन का ही ड्रेस है और ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस इसके साथ है, ये टू पीस ड्रेस है और इसको भी आप देख सकते हो। और जी एक और ड्रेस ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हुआ है, एक इसमें हमने ट्राउज़र साथ रेडी करवाया और एक सिर्फ टू पीस रेडी करवाया। और ये देखें जी इसकी मॉडल पिक और जी माहे नहीं मुस्लिम कलेक्शन है या माहे कलेक्शन है कोई भी है यार, भूल जाता है इंसान है, अगर माहे कलेक्शन है तो वो भी देख लें। अच्छा क्या इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, ये माहे कलेक्शन का था या ये मुस्लिम कलेक्शन का था, पिछले मैंने मुस्लिम बोला लेकिन ये माहे कलेक्शन है, ठीक है जी। तो दोबारा से देख लें कोई बात नहीं, बहुत रीज़नेबल प्राइस के साथ है
दुपट्टे की लेस माशाल्लाह इसकी मुझे बहुत खूबसूरत लगी, बहुत ज़्यादा। इसको भी डाई करवाया गया, कलर इतना डिफ़िकल्ट था, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इसको पहले मुझे डाई, मैं कोशिश करती हूँ डाई से पहले मुझे मिल जाए, बट फिर भी कोशिश मेरी ऐसी होती है कि मुझे डाई करवाने पड़ते हैं। अच्छा ये लेसेस देख लें जी, ये भी बहुत ही सोच समझ के इसको साथ मैचिंग की गई। और जी ये वाला ड्रेस भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये जो ड्रेस देख रहे हैं ये भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये भी सना सफ़ीना का ही है। जितने आप इस वीडियो में देख रहे हो ज़्यादातर सना सफ़ीना आपके हैं, एक और अगर कोई एक आधा ड्रेस आ गया तो वो। अच्छा इसकी जो लेस है ना सेम ऐसी चीज़ मुझे वैसी मिली, फ्लावर लेस जो लगी हुई है कॉपर कलर में, कॉपर है ब्राउन है जो भी है, सेम जो मॉडल ड्रेस पर यूज़ की गई है सेम वही डिज़ाइन मिला इसका मुझे। बहुत करीब तर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सेम एज इट इज़ डिज़ाइनिंग करवाई जाए। उसके बाद इसके पल्स भी लगाए गए हैं जो काफ़ी मेहनत से प्यार से लगाए गए हैं। तो आपने भी अगर अपने ड्रेसेस सेम एज इट इज़ स्टिच करवाने हो तो आप जी मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हो और मुझे ऑर्डर कर सकते हो। और जी ये वाला ड्रेस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा, इसके साथ ये देखिए जी ये ट्राउज़र है, कैप्री ट्राउज़र स्टाइल इसका ट्राउज़र है। ये चौड़ी अच्छी खासी चौड़ी लेस लगी हुई है। और जी ये देखिए जी ये भी माशाल्लाह इसके और डबल ऑर्गेंजा के साथ रेटे वर्क के साथ ये देखिए जी इसको यूज़ किया गया नीचे डिज़ाइन सेम एज इट इज़ बनाने के लिए। साइड पे इसकी फैशन पट्टी भी कहते हैं, चौक पट्टी या पाइपिंग पट्टी कुछ भी आप कह लें। अच्छा स्लीव्स की डिज़ाइनिंग उसकी बहुत ज़्यादा टू मच हुई हुई थी तो हमने इसकी सिर्फ सिंपल से पल्स दे दिए। गले की एज इट इज़ सेम डिज़ाइनिंग है जैसे मॉडल पिक में है, बाकी सब आप देख सक रहे हो। दुपट्टे की अच्छी सी पाइपिंग करा ली। ओके जी अल्लाह हाफिज़।